पता नहीं क्यों खट्टा बेकार आ रहा। मैं आज छोटा छोटा करके लिट्टी बना रही हूँ। हाँ मैं कभी टिफिन में दो दोगी। ठीक है एक तो ले लेना। देख तो दूँगा। ओके हाय फ्रेंड्स, आपको हमारी न्यू ब्लॉग में स्वागत है। राजन मोनी ब्लॉग में आई हूँ कि आपको अच्छा लगे। अच्छा लगे तो लाइक और बेल आइकन जरूर दबाए। मैं वीडियो अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से तो टाइम नहीं मिला, ना ठंडा है मेरे इधर, ना ठंडा नहीं है कि सुबह का टाइम है थोड़ा ठंडा लगता है, तो सुबह का टाइम थोड़ा आलस पकड़ लेता है। इसीलिए उसी वजह से मैं स्कूल भी नहीं गए। आज अनन्या को स्कूल भी नहीं लेके गए मेरे कारण, क्योंकि सुबह का टाइम इतना खांसी होने लग गया था मेरा। ठीक तो हो गया था थोड़े बाद। हाँ ठीक तो हो जा रहा है, जब सुबह का टाइम इतना खांसी होने लगा, गला तो खराब हो गया। पानी गिरते ना ज्यादा, कपड़ा बर्तन माँ एक लगातार करते, एक डेढ़ बजे तक करते रहते करते रहते। जब तक पानी रहता है पाइप में तब तक काम करते रहते। फिर उसके बाद भी तो करती हो तो खाना बनाना सब रहता है। आज हम सोच रहे कि थोड़ा लिट्टी लिट्टी बना। खाने का मन कर रहा है ये आलू पराठा, बना देंगे आलू उबाल के कल। ऐसे बोलती हाँ, हाँ सुन ना, फिर एक सप्ताह बाद बनाती हूँ। आलू का पराठा बनाएंगे और दही लाएंगे, मस्त खाने में लगेगा। कभी मीठा दे मजा नहीं, मीठा मुझे नहीं पसंद। मैं हम तो मीठा की नहीं, खट्टा नहीं रहता है, मीठा ही दही रहता है, वो भी किसी वाइट रहता है वो। कल बनाएगी, पहले बोल कल बनाएगी। पिंकी प्रॉमिस कर देंगे, पिंकी प्रॉमिस कर। हो नहीं, हाँ हाँ सच्ची में ना, छोटू छोटू ऐसे इतना ही बता बता था। रसगुल्ला भी होता है छोटा छोटा बना रहे ना, देखने में अच्छा लगेगा। ये पापा तो एक ही गाल में खा लेगा, नहीं खा लेगा बोल। है तुम कभी इतना मोटा वाला रोटी खाई हो? कितना इतना इतना वाला रसगुल्ला? रसगुल्ला रसगुल्ला खाने के लिए हम कितना रो रहे थे, तो मेरे को दो व्हाइट रसगुल्ला खरीद दिया, हम खा नहीं पाए। एक तो मैं बहुत मीठा था, एक ही को खाते खाते मेरा मन भर गया था। एक खाए फिर ना खाया था ना बचा था, लास्ट में मम्मी बोला फिर फेंक दो, फेंक दिए दोनों। एक डेढ़ खाए थे आधा फेंक दिए। तो अच्छा था। कितना दाम था? एक ठो दस दस रुपये पीस पहले, अभी उसी का लेगा 40-30 रुपये एक तो का। ओ भाई इतना बड़ा बड़ा है ना, तो एक ठो का तो 40-50 रुपये एक पीस का लेगा। तो पहले उतने पहले उतने बड़े का 10 रुपये। ओ भाई दो को 20 रुपये तो अच्छा ही मिला। उसी का नाम रहता था राजभोग। राजभोग बड़ा वाला रसगुल्ला का नाम है राजभोग। छोटू छोटा वाला का रसगुल्ला नहीं, छोटा वाला का नाम है रानी भोग। वो है राजा ही है रानी का। हाँ हाँ क्या बोलते तुमको मिठाई में कौन सा ज्यादा पसंद है पहले बोलो। तुमको मिठाई में सबसे अच्छा लगता है चमचम और रसगुल्ला, काला जामुन और बस बस। दही नहीं, दही कौन सा मीठा या खट्टा? खट्टा मेरे को तो मीठा, मीठा ना दह मैंने कि पार्वती में लगा के खागी इतना यम्मी लगता है। हम तो कभी खाए, ठीक है ठीक है, कभी तो खाए ही नहीं है पता है। मैं तो पूरा बना चुकी, देखिए बनाने के बाद इतना सारा डाल दिया तेल में इसको छानने के लिए। छोटा छोटा आज बनाया है, हमेशा बड़ा बड़ा बनाते थे, आज हम सोचे कि थोड़ा मीडियम साइज का बनाते हैं, देखने में भी अच्छा लगेगा। ये वाला ना पता नहीं क्या है, इसका भी पावर थोड़ा कम होते जा रहा है।
तेल ज्यादा करके डाले ना जल्दी जल्दी हो जाए, सात सात पीस करके डाले, चार तीन सात, आज ऐसे बनाया है ये फट ना जाए तब तो गंडक और तेल ढुक जाएगा सारा, तो लोचा ही लोचा। मैं तो इतना सारा छान के निकाल दी, जैसा लग रहा कि ये है क्या बोलते हैं गणेश भगवान के जो लड्डू बनाते हैं क्या, मोदक मोदक मोदक, हाँ बोल नहीं पा रहे, मोदक जैसा लग रहा था कि ब्राउन वाला मोदक होता है ना उस टाइप का लग रहा है, ये बीच वाला ये भी लग रहा है, मस्त लग रहा है। तो इसमें वे भी डाले हैं, मेरा बाबू मेरा बात सुनकर हंस रही है, मोदक मोदक करके 10 बार बोल रहे हैं। भी डाल दिए चेंज बदल भी दिए, अनन्या बाबू तो तुमको आज क्या पढ़ाया रे बाबू, तो सब कुछ पढ़िए बराबर, पैसा बर्बाद मत कराना प्लीज, जो करना सोच समझ के करना। एक एक होता है ना जल्दी बदलता नहीं, हाँ हाँ देर है, क्यों खाना है क्या, नमक हो गया है शायद नीचे में मिला नहीं होगा इसलिए है ना। बटन का चिप हो गया, अच्छा तो जैसा इसी के लिए सब ब्राउन हो जाएगा हल्का, तो रख देंगे। डर लग रहा है इतना सारा तेल है ना कि हाथ में ना छटक जाए, ऐसे हाथ मेरा कितना जला हुआ है देखिए, हम घर गैस पोछ रहे थे भात चढ़ा था मेरा गैस से ये जल गया, अभी ये वाला डाल रहा था बोल के यहाँ छटक गया, हाथों का दशा देख रहा कैसा है, ठंडा से हो गया जब से हो गया, काम करने वाला तो ऐसे ही होता है ऐसे बैठ के खाता है आदमी लोग, वो लोग का हाथ का दशा अलग होता है। चलो उसको भी उतार देते, हो गया धीमा कर के उतार देते,
नहीं गरम तेल ना दरवाजा में डाल देंगे, थोड़ा बहुत टाइट हो गया है। इतना सारा बना चुके, लास्ट इसमें डाले हैं, ये हो जाएगा। क्या हुआ संटू? उसी में चलो, तुम एक ठो लोगी क्या? ले लो, दे रहे, रुको। सारा लिट्टी तो मेरा बन चुका है, देखिए इतना सारा उतार दिए हैं, और ये वाला भी उतारने वाले हैं, लास्ट है। तो हल्का सा ब्राउन हो जाए नीचे का तो उतार देंगे। हो गया ना कहा, हल्का ही ब्राउन करना है। इससे लग रहा मेरा सेब जो बना ना आलू चप जैसा बना, सेब छोटा छोटा। हाँ इतना बड़ा बड़ा तो आलू चप भी होता है, फुलौड़ी भी होता है इस टाइप का, इतना छोटा। देखिए मैं तो सारा बना चुकी, इतना सुंदर बना हुआ है। इसको तो मैं उतार देती हूँ कढ़ाई को। चलिए दोस्तों, कल एक नई ब्लॉग में मिलेंगे, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर और बेल आइकन जरूर दबाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं है, आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे, जैसे आप सभी को करते हैं आप मुझे भी कीजिए। बाय बाय, बोलो लाडो।